नई नवेली सांसद बनी कंगना रनौत ने अब अपने मिलने जुलने वाले लोगों के लिए एक अनोखी डिमांड रखी है। यानी अब सांसद से मिलने जाना है तो आपको कुछ शर्तें और नियम फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और सांसद साहिबा की क्या डिमांड है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो उनसे मिलने के लिए हर आदमी को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा। यही नहीं, मिलने का उद्देश्य भी कागज पर लिख कर लाना होगा। सांसद कंगना ने ये व्यवस्था अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए की है। कंगना ने ये व्यवस्था बुधवार को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम से ही लागू कर दी। उनका कहना है कि मंडी प्रवास के दौरान हमेशा इसी संवाद केंद्र में वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलेंगी और जनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास भी करेंगी। उनका कहना है कि कई बार पर्यटक उनके चाहने वाले उनसे मिलने आ जाते हैं, चूंकि मंडी में प्रवास के दौरान वो अपना पूरा समय अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस दौरान उनसे कोई भी पर्यटक, कोई अन्य भारी व्यक्ति मिले। ऐसे में अगर लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे तो उनका आधार कार्ड उनके साथ होना जरूरी होगा। इससे पता चल जाएगा कि वो मंडी के स्थानीय व्यक्ति हैं या कोई बाहरी। उनका कहना है कि सभी लोग अपनी समस्या या शिकायत कागज पर लिख कर लाएंगे तो उसे सुनने और समझने में उन्हें तो आसानी होगी ही, उस पर एक्शन भी वो तेजी से ले पाएंगे और लोगों का समय भी बचेगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपने निर्वाचन क्षेत्र में काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। रनौत ने बुधवार को कुवैत में लापता हुए धनदेव के परिजनों से मुलाकात भी की है। मंडी में अपने कार्यालय में पूजा पाठ के बाद कंगना रनौत ने कामकाज को शुरू कर दिया है। सांसद वाले अंदाज में कंगना ने लोगों से मुलाकात करनी भी शुरू कर दी है। रनौत ने कुवैत में पिछले 16 दिनों से लापता मंडी के रहने वाले धनदेव के परिजनों से मुलाकात की है और कंगना रनौत ने परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। आपको बताएं कि कुवैत में मजदूरी की एक आवासीय इमारत को आग लगने के बाद मंडी जिले का धनदेव लापता हो गया था। हम काफी गंभीर हैं इस मामले को लेकर और हमने जो है वो ऊपर भी सेंटर में भी बात की है। वहाँ से हमें ये रिक्वायरमेंट आई है कि वो जो गायब हुए हैं कुवैत में उनका वहाँ पे मोबाइल नंबर हमें चाहिए और वहाँ किस कंपनी में वो काम करते थे उसकी डिटेल्स भी चाहिए। और उसके साथ में ही आज मैंने उनके परिवार वालों से बात की कि वहाँ से कौन से मंत्रालय में जो है कुवैत के भी कहाँ किस कंपनी में जो है या किस एजेंसी में इस बात की कंप्लेन की गई है कि वो मिसिंग है, तो ये डिटेल जो है वो मुझे लाके दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं, तो एक बार हमें उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो उसकी से क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई में कुवैत में ही थे, नहीं तो वो हमेशा इंटरनेट कॉल ही करते थे। तो इस बात की कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कुवैत में ही थे या कहीं और थे, जहाँ तक अब मेरी परिवार से बात हुई है। और इस संबंध में जो है मैं उनसे मिलूंगी और देखूंगी आगे जैसे ही मुझे ये डिटेल्स, क्योंकि मुझे मंत्रालय से जो है इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्ट्री ने मुझे जो है ये चीजों से वहीं धनदेव की पत्नी का कहना है कि 24 जून शाम को उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार चिंता में है। आपको बताएं कि धनदेव पिछले 7 साल से कुवैत में मोटर मैकेनिक का काम करता था। कंगना का कहना है कि हम इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। हमने केंद्र से भी बात की है। कंगना ने कहा कि परिवार से कुछ जानकारियां मिलने के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। बुधवार को मंडी में लोगों से संवाद करते हुए कंगना रनौत ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें लोगों ने वार्ड पार्षद या विधायक नहीं चुना है, वो सांसद है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके पास पंचायत या विधानसभा स्तर की समस्या ना लेकर आए। उनके पास केवल उनके लेवल की ही शिकायतें और समस्याएं आनी चाहिए। कंगना के इस अंदाज पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।